हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपा स्लैप स्टाइल। सो फ्रेंड, आज है ट्यूसडे और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी कुकिंग या फिर लाइफस्टाइल ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा बेडरूम डीप क्लीनिंग। क्योंकि आप लोग सोचोगे कि अभी क्यों आप बेडरूम डीप क्लीनिंग कर रहे हो, एक तो दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा में हम हर बंगाली लोग अपने घर को थोड़ा बहुत साफ सफाई तो करते हैं। मैं जब छोटी थी तब से देखती हूँ, मेरे सास भी करते हैं और मेरे मायके में भी करते हैं, इसके लिए मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अकेली तो इतना ज़्यादा होते नहीं है, पर जितना हो सके उतना ही मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है, मैं इधर मेरा जो ये वाला एक रैक था ना, जो मिरर का है, ये दो था तो एक टूट गया था, तो एक से ही अभी काम चलाना पड़ रही है। इसके ऊपर बहुत ही सारा जो एक्स्ट्रा सामान है ना, वो सारे है, तो उसको मैंने एक बैग के अंदर डाल दिया जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग अभी कोलकाता भी जाने वाले हैं, तो ये सारे जो सामान मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इधर उधर ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहते हैं ना, वो सारी चीज़ों को मैं एक ही जगह इकट्ठा करके फिर उसको एक बैग के अंदर डाल के बांध के मैं रख दूँगी। तो फिर घर जो है ना एकदम फ्रेश लगते हैं, और घर में अगर हम 5 दिन भी नहीं रहते हैं ना, तो घर पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो जाते हैं, सब कुछ बंद रहते हैं ना। इसके लिए मैं जाने के पहले सब कुछ एकदम से क्लीन करके फिर जाती हूँ। तो इस बार जो है सब एक साथ ही हो रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से मेरा बेडरूम पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद और जो किचन है, लिविंग है, वो तो ऐसे ही खाली खाली सा है, तो वो सारे क्लीन कर लूँगी। तो ये इधर का जो मेरा क्रीम वगैरह थे ना, उसको निकाल लिया। उसके बाद मेरा ये जो वार्डरोब है, उसके ऊपर देखो कितना सारा सामान है, पूरा कचरा होके रहते, जो भी चीज़ मैं मुंह से छुपाना चाहती हूँ उसके ऊपर ऐसे ही डाल देती हूँ, तो वो सारी को मैंने खाली किया। उसके बाद उधर जो थोड़ा बहुत डस्ट था ना, उसको मैंने साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। ये जो है एक छोटा सा हैंकी है, इससे ही मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि मेरे घर पर ना इतना ज़्यादा डस्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि एकदम अंदर है मेरा सोसाइटी, इसके लिए तो थोड़ा बहुत जो धूल है मैं इससे ही साफ़ कर लूँगी, हो जाएगी। और जो मैंने बोला कि एक्स्ट्रा जो सामान है उसको मैंने ये जो बैग है इसके अंदर रख दूंगी। और मेरा बेडरूम का हालात देखिए, तो मेरा बेडरूम जो है ना बहुत ही छोटे है, इसके लिए मैं कोई भी सामान को हटा के फिर मैं उसका साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नहीं तो टूट जाते हैं, नहीं तो कोई भी मेरा ये देखो इधर का जो शीशा है ना, वो भी एक बार मैंने तोड़ दिया था, क्योंकि मैंने इसको ना पहले मेरे ब्लॉग में भी है, पहले वाला ब्लॉग में, कि मैंने मेरे घर को ना थोड़ा बहुत सिटिंग एरिया को चेंज किया था, तो तभी ना वो टूट गया था। उसके बाद से मैं और कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हेवी है ना और मेरे से नहीं होते हैं, और जिसका सिजेरियन है उस लोगों को ही पता होगा कि कोई भी हेवी चीज़ जब उठाने जाती हो ना तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि अभी तो मेरा 2 साल हो गए हैं फिर भी प्रॉब्लम होते हैं कभी कभी। तो डस्टिंग वगैरह मैंने कर लिया, उसके बाद जो है अभी मैं ये सारी चीज़ों को एक जगह पे सजा के रख दूँगी। तो मेरा जो क्रीम मून का, मेरा और मून के पापा का जो क्रीम हमें डेली लगते हैं, वो सारे क्रीम को मैं एक ही जगह पे रख दिया ऐसे करके, तो कितना अच्छा लग रही है ना दिखने में। जगह अगर थोड़ा सा भी कम होना तो उसको खाली खाली दिखने में बहुत ही अच्छा लगते है। और मून सो रहे थे ना, इसके लिए मैं बार बार बाहर जा रही थी मून को देखने के लिए कि वो उठ गया है कि नहीं, क्योंकि मैं बेडरूम क्लीन कर रही हूँ ना, इसके लिए मैं उसको लिविंग पे सुलाई हूँ, मेरा सोफ़ा कम बेड है ना उसके ऊपर ही सुला के आई हूँ मैं, नहीं तो इधर डस्ट रहते हैं और आवाज़ होते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा भी आवाज़ होते तो उठ जाते हैं। तो मेरा ये जो एक बेड साइड टेबल है ना, उसको 3 ड्रॉयर है, तो मैंने 2 ड्रॉयर के ऊपर मेरा एक पिलो कवर था, उसको मैंने फोल्ड करके रख दिया, तो दिखने में अच्छा लगता है। पता नहीं कितना दिन तक रहेगी ये, मून को अगर दिखने को मिल जाएगी ना तो उसको ऐसे ही खींच के निकाल देगी। और ये जो ब्लू कलर का आप एक बकेट देख रहे हो ना, इसके अंदर मून का सारे जो दवाई है वो रखती हूँ, सारे के सारे दवाई, तो मुझे आसानी होती है लेने में। तो ऊपर जो है मैंने डस्ट वगैरह क्लीन कर दिया था, और ये सारे टेडी बियर वगैरह जो है ना वो अभी मैं ऐसे रख दूँगी। मून का ये वाला जो बिग टेडी है ना, उसको भी मैंने रैप करके रख दिया हूँ, क्योंकि अभी जो अगर हम चले जाएंगे ना तो कुछ दिन के लिए इसको गंदी करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए मैंने इसको रैप करके रखी हूँ। और उसके बाद जो सारे थोड़ा बहुत टेडी बियर था उसको मैंने वैसे ही रख दिया, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कैसे लग रही है, क्योंकि अभी इसको मैं रैप नहीं करूँगी, मून कुछ दिन तक खेलेगी, इसके लिए रैप नहीं किया है। और अभी तक ना फाइनल नहीं हुआ है हमारा जाना, इसके लिए और भी ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है कि जाना होगा या फिर नहीं, फिर भी कोशिश तो हम करेंगे ही जाने की। और इस बार जाएंगे तो मैं 2-3 महीने के लिए पहले तो आ ही नहीं रही हूँ, मतलब कि दिवाली के पहले मैं आ ही नहीं रही हूँ, मैं जाऊँगी तो 3 महीने के लिए मैं और मून जो है गांव में ही शिफ्ट हो जाऊँगी कोलकाता में। तो फाइनली हम 1 साल बाद कोलकाता में जा रहे हैं, वो भी 3 महीने के लिए शिफ्ट होने के लिए। तो ये जो कपड़ा था ना, इसमें से बहुत सारा कपड़ा मैं निकाल के रखी थी, जो कि मून का कपड़ा कुछ वॉश करना है, वॉश करके रखूँगी, और मेरा भी कुछ कपड़ा
जो कि वॉश करना है, तो वो सारे कपड़ा मैं निकाल के रखूंगी, कल सुबह उसको वॉश करेंगे, अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और ये जो दो बैग देख रहे हो ना, इसके अंदर सारे के सारे मेरा एक्स्ट्रा जो सामान था उसको भर के रखी हूँ मैं। अभी इन दोनों को किधर रखूँगी वही सोच रही थी। और ये वाला जो है ना मेरे किचन में था, किचन का बर्तन जब मैं वो रैक नहीं लिया था ना तब मैं इसके अंदर रखती थी, तो अभी जो है तो अभी मैं इसको अच्छे से धोने के बाद ना अभी मैं मेरा जो कपड़ा होते ना उसको रख देती हूँ। और मेरा देखिए कितना सारा कपड़ा जो है ऐसे ही फैला हुआ था, तो वो सारे कपड़े को मैंने इसके अंदर रख दूँगी। और ये जो लाइट था ना ये मैं इसको ऊपर रखी हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर हाथ लगते हैं ना तो उसका जो लिप्स रहते हैं ना ऊपर का जो पपड़ी टाइप का रहते हैं वो ना एकदम निकाल जाते, तो इसके लिए वही उसके लिए सेफ जगह है। और कुछ कपड़ा जो है मैं इधर निकाल के रख दूँगी जो कि मुझे वॉश करना है, और कुछ कपड़ा ऐसे ही वो अच्छे से फोल्ड करके रखा हुआ है, तो वो सारे कपड़े को मैं इसके ऊपर रख के फिर रख दूंगी अलमीरा के अंदर। तो वार्डरोब जो है मेरा इतना ज़्यादा मेसी होके नहीं रहते, कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा जो कि मैं ऊपर ऐसे फैला के रखती हूँ जो कि मुझे धोना चाहिए था या फिर धोना है, वो सारे कपड़े को ऐसे रखती हूँ। तो चलो वार्डरोब का काम भी हो चुके है, अभी जो है मेरा बेड का जो काम है उसको करना है। तो मेरा वार्डरोब का जो ड्रायर है ना वो दो ही ड्रायर है, जो कि उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ मून की वजह से, क्योंकि उसको अगर थोड़ा सा भी कुछ मिलते हैं ना तो बच्चा लोग जैसे होते हैं मुंह में डाल देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो उसका दवाई का जो एक बकेट है उसको मैं अच्छे से क्लीन करके इसके अंदर रख दूँगी। तो दवाई वगैरह वो इतना ज़्यादा छूते नहीं है क्योंकि उससे वो डरते हैं, इसके लिए हाथ भी नहीं लगाते, इसके लिए उसके सामने यही सबसे अच्छा चीज़ है रखने का। तो मैं जो जो एक्सपायर हो गया था या फिर जो जो बहुत दिन से इसके अंदर है वो सारी चीज़ों को दूंगी और ऐसे रखूंगी। ऐसे मून का तो दवाई जो है मैं घर पे एक्स्ट्रा करके रखती हूँ कभी किसकी ज़रूरत पड़े ना इसके लिए। और पर मून का जो दवाई एक महीना दो महीना तीन महीना हो जाते ना वो अगर मैं खोल के रखती हूँ ना तो वो मैं नहीं पिलाती हूँ, उसके लिए अलग सा लेती हूँ। तो चलो अभी ये जो मेरा बेड का जो बॉक्स है ना उसको क्लीन करना है। क्लीन तो नहीं करूँगी, इसके पहले मैं एक दिन क्लीन करके रखी थी, थोड़ा बहुत कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहते हैं ना उसको ही करना है मुझे साफ़। और ये वाला एक बहुत बड़ा सा आप लोगों को एक कर्टन बॉक्स देख रहे हैं ना वो मेरा टीवी का है, तो क्योंकि हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं ना तो कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने ये जो बॉक्स है ना इसको अब फेंका नहीं है, क्योंकि लगेगा जब भी हम शिफ्टिंग करेंगे तब टीवी ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर रह जाए अगर घर में। और मेरा बेड बॉक्स के अंदर इतना ज़्यादा सामान भी नहीं है ना, इसके लिए हम लोग इसके अंदर ही रख दिया। और जो भी एक्स्ट्रा मून का छोटे उम्र का जो कपड़ा है वो सारे मैं फेंकती नहीं हूँ और किधर रखती भी नहीं हूँ, मैं इसके अंदर एक ऐसे मतलब बैग में या फिर जो जो रहते कपड़ा एक्स्ट्रा उसके अंदर भर के मैं ऐसे पोटला बोलते हैं उसको पोटला टाइप करके मैं रख देती हूँ। और मेरा स्टैंड फैन है जो कि एक बार मून के ऊपर गिर गया था, ये स्टैंड फैन मतलब वो बंद था और मुन्न ने उसको खींचा था तो गिर गया था, उसके वजह से हम लोग इसको फोल्ड करके खोल के ना इसके अंदर रख दिया हूँ। और उधर मेरा डिनर सेट है, कुछ मेरा किचन का बर्तन है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखो ऐसे करके मुन्न का इसके अंदर सारे के सारे छोटे उम्र का कपड़ा है। तो चलो ये जो है साफ़ हो चुकी है और दो साइड पिलो है तो इसको मैं बंद कर दूंगी। तो कंप्लीट हो चुकी है मेरा बेडरूम का जो पूरा डीप क्लीनिंग है, तो झाड़ू पोछा। और अभी क्या हुआ था पता है, अभी लाइट चले गए थे, मैं सोच रही थी लाइट नहीं आएगी क्योंकि मुंबई में ना कल पूरा दिन लाइट नहीं था, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था पूरा मुंबई में, तो मैंने सोचा चलो आज और ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो फिर आ गए थे और मून भी उठ गए थे, तो देखो मैंने बेडशीट डाल दिया और मून भी आ गए है। और ये वाला देखो इधर दो ऐसे बड़ा बड़ा बाल्टी टाइप का है ना, तो इसमें मैं सोच रही हूँ मून का खिलौना रखूँगी। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से बाद से मैंने आप लोगों के साथ मिल ही नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम था फ्रेंड, ये सारे काम जो है ना पेंडिंग पड़ा था, ये घर को क्लीन करना था अभी। सो फ्रेंड आज मैंने सिर्फ बेडरूम को ही क्लीन किया, मून को लेके नहीं होते फ्रेंड, मून सो रही थी तब जाके मैंने वो सारे जो डस्टिंग का काम था कंप्लीट किया था। और आज मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, मैंने बहुत सारा ऑयल लगा ली हूँ अभी। तो लंच भी मैं कर ली हूँ, मून भी कर लिया है, पर मेरे हस्बैंड आज लंच करने के लिए घर नहीं आया था, मैंने एकदम सुबह सुबह ही आज का लंच जो है ना वो बना दिया था, फिश करी बनाई थी। और मून का जो खिलौना है ना बहुत दिन से इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, तो हम लोग सोच रहे थे अगर कोलकाता हम जाने वाले हैं, मतलब जाने तो वाले हैं ये फिक्स्ड है, पर अभी तक जो है टिकट नहीं मिला है, फिर भी शायद मिल जाएगी। तो मैंने सोच रही हूँ कि जब टिकट मिलेगी तब हम लोग एक दो दिन के अंदर ही निकल जाएंगे, या फिर आज अगर टिकट मिलेगी तो फिर कल परसों तक हम निकल जाएंगे, ऐसे ही करेंगे। तो तब तक तो घर को क्लीन नहीं कर पाएंगे ना,
तो मैं जब भी कोलकाता जाती हूँ ना, उसके पहले मैं अच्छे से घर को पूरा डीप क्लीनिंग करके, और जो सामान मुझे लगते नहीं है, हम दोनों तो अभी रहेंगे उधर ही, कोलकाता शिफ्ट हो जाएंगे हम दोनों ही, मतलब कि मैं और मून उधर रहने वाली हूँ दिवाली तक, और मून का पापा चले आएगा इधर, उसके बाद फिर से हमें लाने के लिए जाएगा। तो बहुत खुश हूँ मैं फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इतना खुश हो रही हूँ ना कि एक साल से ज़्यादा हो गए हैं हम लोग कोलकाता नहीं गए हैं। तो धीरे धीरे करके ना, ये जो सारे सामान मुझे नहीं लगते पर इधर उधर बिखरा हुआ रहते हैं ना, वो सारे सामान को मैंने एक जगह पे करके ना, उसको फिक्स करके एक जगह पे रख के जाऊँगी, और सारे सब कुछ मैं जितना हो सके मैं खाली खाली करके जाऊँगी। पर अभी तो हम लोग कुछ दिन तक है इधर, तो इसके लिए उसका जो सारे टेडी बियर वगैरह है ना, उसको कवर करना है, पर अभी तक नहीं की हूँ क्योंकि कभी कभी मून लेके खेलते हैं ना। और मेरे घर में ज़्यादा आप लोगों को डस्टिंग नहीं दिखेगी क्योंकि मेरा घर एकदम अंदर की टाइप के है ना, मतलब एकदम अंदर है मेरा ये जो सोसाइटी है, इसके लिए धूल वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और मैं आप लोगों को ब्लॉग के जरिए शेयर तो करती हूँ कि मैं डेली जो है वैसे क्लीन कर लेती हूँ, इसे इसके लिए ना इतना ज़्यादा नहीं होते, जैसे कि बेड का जो बॉक्स है वो तो मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ डेली, पर फिर भी आप लोगों ने देखा ना कि ये इतना ज़्यादा मैसी नहीं रहते हैं मेरा कुछ भी, मेरा वार्डरोब जो है इतना ज़्यादा मैसी नहीं रहते, पर जो सामान मुझे, जो कपड़ा मुझे लेके जाना है कोलकाता, वो सारे मतलब कपड़े को ना मैं वॉश करके फिर लेके जाऊंगी। तो इसके लिए मैं आज ढूंढ रही थी, कुछ कपड़ा मेरा था कुछ कपड़ा मून का था, वो सारे मैंने निकाल के रखी हूँ जो कि कल मैं सुबह उसको वॉश करूंगी। और आप लोग सोचोगे कि आप नहाने के बाद ही क्यों डस्टिंग का काम करते हो, नहाने के पहले करो, बहुत सारा रीज़न है इसका। एक तो पानी का प्रॉब्लम है क्योंकि नहाने के टाइम थोड़ा ही ना मैं एक बाल्टी से नहा लूंगी तो हो जाएगा, तो क्या होता है कि सुबह सुबह इसीलिए नहा लेती हूँ कि पानी तब रह जाते हैं तो अच्छे से नहा पाती हूँ मैं, और शाम के टाइम ये सारे काम करने के बाद मैं शाम के टाइम ना एकदम फ्रेश हो जाऊंगी तो अच्छा लगेगी, अच्छा फील होगी, पर अभी तक बहुत सारा काम है जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो ये वाला जो एक बकेट टाइप का था वो मैंने दोपहर को ही निकाल के रखी थी, तो इसको मैंने वॉश करके रखी थी, तो अभी इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद इसके अंदर मून का खिलौना जो है वो शिफ्ट करूँगी, और देखो मून भी मेरे साथ लगे हुए हैं सारे सब कुछ काम करने के लिए। और ये देखो मून का सारे के सारे खिलौना, कुछ तो मैं धोने के लिए वॉशरूम पे रखी हूँ, कुछ इसके अंदर था ना, वो सारे खिलौना ऐसे ही तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ ना, इसके लिए मैंने उसको धोने के लिए रख दिया हूँ। और देखो ये ड्रायर के अंदर मून उसका सारे के सारे शूज़ जो है ना, इसके अंदर वो खुद ही ऐसे करके रख देते हैं, तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, और जिधर जो खिलौना मिलेगी अभी से मैं इसके अंदर ही रखूँगी। पहले तो मैं इसके अंदर ही रखती थी पता है, पर होते हैं ना कभी कभी दिमाग में क्या होते हैं, हम लोग कुछ चेंज करने का मन होते हैं तो कर लेते हैं। तो चलो सारे जो क्लीनिंग का काम था कंप्लीट हो चुकी है मेरा सब करके, मैंने घर को झाड़ू पोछा भी लगा दिया, और उसके बाद मैं अभी लगा रही हूँ भगवान को दिया अगरबत्ती। तो मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया था, और दिया मैंने इसीलिए नहीं लगाए हूँ क्योंकि मेरे पास वो दिया जलाने का जो ऑयल है ना वो अलग सा रहते हैं, तो वो मेरे पास ख़त्म हो चुकी है इसके लिए। और ये देखो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, तो बस वो जाएगा सीधा वॉशरूम, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, तब तक मैं भगवान को अगरबत्ती लगा देती हूँ, उसके बाद जाना है किचन में चाय बनाने के लिए, चाय पीना है दोनों एक साथ मिलके, और मून को भी लेके, मून का भी शाम को नाश्ता करवाने हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और मैं ब्लैक टी बना रही हूँ अदरक डाल के, तो अदरक ही डाल रही थी अभी मैं, तो चलो चाय बना लेती हूँ, ब्लैक टी बनाऊँगी। और कुछ बोल रहे थे मेरे हस्बैंड, इसके लिए मैं घूम के कुछ तो बोल रही थी, तो चलो चाय बना लेती हूँ, उसके बाद चाय पी के फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। हाँ चाय पीने के बाद मून का नाश्ता करवा दिया था, और मून नाश्ता करने के बाद ये देखो खेल रहे हैं, और मून का पापा कुछ काम कर रहे थे, और वो डाइनिंग टेबल के बैठ के ही काम कर रहे थे क्योंकि उसको अच्छा लगते हैं कि मून को देखते हुए काम करना, तो इसके लिए उधर ही है, हम दोनों इधर है, तो मैं और मून खेल रही थी इधर, मून के साथ मैं भी थोड़ा बहुत बच्ची बन गई थी, और मून देखो क्या कर रही थी, मून चाय बना रही थी, तो मैं भी उसके साथ बोल रही थी चलो हम इन सबको खिलाते हैं, जो भी उसका टेडी है, जो भी उसका ये जो बियर्ड है ना, डियर है, उसको भी हम लोग बोल रहे थे चलो चाय पिलाते हैं। तो अब भी आ जाइए मून का चाय पीने के लिए, और मून एकदम स्पेशल चाय बनाते हैं जिसमें ना ही रहते हैं शुगर, ना ही रहते हैं चाय, ना ही रहते हैं पानी, विदाउट पानी शुगर चाय बहुत टेस्टी बनते हैं। हाँ आप लोग भी ज़रूर आना एक बार मून के हाथ का चाय पीने के लिए। हाँ तो चलो मून बेटी तो ऐसे ही खेलते रहेगी,
तो मैं तो किचन में राइस को बिठा के आई हूँ, तो राइस थोड़ा धीमी आँच में रख के आई हूँ, वो बनते रहेगी और मैं और मुन इधर खेलते रहूँगी। और मुन का पापा का जो काम है मैं दिखा रही थी आप लोगों को, वो क्या कर रही है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि उसको चाहे कितना भी मतलब ज़्यादा काम रहे, कितना भी देर हो जाए, फिर भी ना वो क्या करते कि वो इधर ही बैठ के काम करते, वो मून को देखते और काम करते, मून के साथ बातें करते और काम करते। और मैं गई थी बीच में किचन में, राइस जो है वो बन चुकी थी, इसके लिए उसका जो पानी है वो निचोड़ने के लिए। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ, थोड़ा बहुत बातें कर लेती हूँ और ब्लॉग को भी मुझे एंड करना है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हे फ्रेंड, तो अभी जो है रात के 8 बजे है, मैं डिनर बना के आई हूँ। अभी डिनर में बस दोपहर का फिश करी है वही है, और मैं अभी अभी राइस बना के आई हूँ। सो फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को मेरा बेडरूम डीप क्लीनिंग का ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे तो मेरा ये जो बेडरूम है बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैं सामान को ऐसे हटा के फिर साफ नहीं कर पाती हूँ। घर से निकालना फिर उसको अंदर डालना ऐसे करने में ना, इसके पहले मैं एक बार करी थी ऐसा कि वार्डरोब वगैरह को इधर उधर मतलब शिफ्ट करने की कोशिश किया था ना, तब मेरा ये जो वार्डरोब का शीशा है ना वो तोड़ मतलब टूट गई थी। उसके बाद से मैं और कभी नहीं करती, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते है। ये जो मेरा बेड है ना बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये, क्योंकि ये रॉड आयरन का है ना, इसके लिए और भी ज़्यादा हैवी है। और मैंने एक वीडियो में बोला था आप लोगों को कि ये मेरा किंग साइज़ बेड है, तो आप लोगों ने बोला कि नहीं, किंग साइज़ बेड जो है छोटा होता है और क्वीन साइज जो बेड होती है वो बड़ी होती है, तो आप लोगों ने ऐसा बोला था, तो इसके लिए मुझे नहीं पता था फ्रेंड, थैंक यू, क्योंकि आप लोग मेरा ऐसे छोटा मोटा गलती जो है आप लोग सुधार देते हो, इसके लिए बहुत ही अच्छे लगती है मुझे। तो ऐसे ही करके मैं मेरा बेडरूम को क्लीन करती हूँ। और फेस्टिवल के लिए जैसे कि दुर्गा पूजा आ रही थी, और ऐसे भी कुछ दिनों से मन हो रहा था कि ये सारे सब कुछ को थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना चाहिए। और जैसे बोला था मैं आप लोगों को कि अगर मैं कोलकाता जा पाऊँगी, कोलकाता में शिफ्ट होने वाली हूँ 3 महीने के लिए मेरे बेबी के साथ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी सब कुछ है टिकट के ऊपर, आई डोंट नो टिकट मिलेगा कि नहीं। सो प्रे करती हूँ, आप लोग भी प्रे करिए कि मुझे जल्दी से जल्दी टिकट मिल जाए और मैं जा पाऊँ। अगर इस बार नहीं जा पाऊँगी ना तो एकदम से दिवाली में जाना पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगी। तो आई होप कि जाना हो जाएगी हम लोगों का। सो फ्रेंड चलिए, आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आप बेडरूम डीप क्लीनिंग का जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आई होगी, कमेंट करके बताना। अगर मैंने कुछ गलती किया है वो भी कमेंट करके बताना। आप लोग तो बोलते हो ना कभी कभी, जैसे कि आप लोग बहुत बार बोले हो मुझे कि झाड़ू चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा ये मायने रखते हो आप लोग, पर ऐसा ना कभी मेरे साथ नहीं हुआ। कोलकाता में इतना ज़्यादा नहीं होते, झाड़ू को लेके आप लोग बहुत मानते हो झाड़ू को, तो चलिए आप, मैं भी बहुत मानूंगी इसको, क्योंकि इसके पहले मैं झाड़ू से बेड को क्लीन किया था, आप लोगों ने मना किया था, फिर झाड़ू से मैंने झाड़ू के ऊपर पैर रखा था तब भी आप लोगों ने मना किया था, उसके बाद से मैं और नहीं करती हूँ। सो फ्रेंड चलिए, आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगती है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और छोटा सा लाइक कर देना मेरे ब्लॉग को। सो फ्रेंड चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड, मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ। और आज कोई भी ब्लॉग नहीं गए है, क्योंकि कल से जो है पावर कट का प्रॉब्लम था, आज भी मैंने जब ब्लॉग बना रही थी ना तब भी पावर कट हो गई थी, मैंने तो सोचा कि कल के जैसा ही हो जाएगा, शायद मैं ये जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, पर क्या हुआ कि आ गए थे 10-15 मिनट के अंदर ही, आधा घंटे के अंदर ही चले आए थे पावर, इसलिए मैंने फिर से वीडियो को कंटिन्यू किया। सो फ्रेंड चलिए, बाय बाय।